मोटिवेशन 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 जिसकी जरूरत आज के टाइम पे हर इंसान को है। अब अगर उसे जिम जाकर बॉडी बनानी है तो मोटिवेशन चाहिए, पढ़ाई करनी है तो मोटिवेशन चाहिए, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो मोटिवेशन चाहिए, और अगर भैया बिजनेस करना है तो फिर मोटिवेशन काम नहीं आएगा, तो फिर चाहिए सीधा संदीप महेश्वरी का नंबर। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही उच्च मोटिवेशनल स्पीकरों के बारे में। नहीं, इतने भी उच्च नहीं है, वो थोड़े कम है। अबे चलो फिर देर के साथ की करते हैं शुरू। लेकिन एक मिनट, वीडियो शुरू करने से पहले ही वार्निंग दे दूं, ये मोटिवेशन सुनने के बाद चाहे तुम्हारे जहन से गालियां निकले या फिर कान से खून, उसके जिम्मेदार तो खुद होगे, मैं नहीं। तो अब चलो करते हैं शुरू, आइए देखते हैं मजा आएगा। कामयाबी वक्त मांगती है मेरे दोस्त, इसीलिए दूसरों को बातों में ना आए और धैर्य रखे और मेहनत करते रहे। थैंक यू दीदी, आपके इस मोटिवेशन ने तो मेरी आंखें खोल दी। नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं था, उस सुबह सो के उठा था तब से खुल नहीं रही थी। जिस तरह कामयाबी पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, ठीक वैसे ही वीडियो बनाते टाइम दीदी ने भी साइड में कुछ रखा हुआ है। नहीं, धैर्य नहीं, अपना दिमाग। दिमाग कैसे साइड में रख सकती है, क्योंकि दिमाग साइड में रखने के लिए दिमाग होना भी तो चाहिए। अपना फोकस ऐसा रखो कि रास्ते में बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन आपका फोकस हटना नहीं चाहिए। आप फोकस रखने के लिए क्या अपनी आंखों में 50mm के लेंस लगा के घूमू या फिर आंखें निकलवा के कैमरे लगवा लू? और रही बात मुसीबत की, तो सबसे बड़ी मुसीबत तो उसका हस्बैंड। जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ एक काम जरूर करना, वो है कोशिश। अरे दीदी, कोशिश कब और कैसे करनी है ये भी तो बता दो, क्योंकि आपका मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद मेरे दोस्त ने भी कोशिश की थी पुलिस स्टेशन से भागने की। पहले तो साले पे 5,000 का फाइन था, अब 2 महीने की जेल हुई है। चड्ढा समझाओ इसे। और दीदी, जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता ना, वहाँ आप एक काम जरूर कर सकती हो। नहीं, कोशिश नहीं, अपना अकाउंट डिलीट। अच्छा बहन गिल। जिसने भी रात में खुद को जगाए रखा, उसने ही अपने दिन उम्मीद को जिंदा रखा। लेकिन मैं तो डेली रात को घोड़े बैठ के सो जाता हूँ, इसका मतलब कि मेरी उम्मीद मर चुकी है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। मतलब एक तो इंसान पूरा दिन गधा मजदूरी करे, ऊपर से रात को जब सोने का टाइम आए तब वो सोए भी ना। तो दीदी एक बात बताओ कि रात भर जाकर वो ऐसी उम्मीद का करेगा भी क्या? क्योंकि उम्मीद तो तब बचेगी ना जब वो खुद बचेगा। बात तो सही है। अपनी नजर हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। नजर तो उसी पर है, लेकिन उसका असर। वैसे तो मोटिवेशन हमारे अंदर एक तरह से स्पीड बूस्टिंग का काम करता है। जैसे मान लो मेरे अंदर जिम जाने की 2% इच्छा है, लेकिन मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़कर नहीं जा पा रहा, ऐसे में एक अच्छा मोटिवेशन सुनने के बाद शायद मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़कर जिम चला भी जाऊँ। लेकिन दीदी का मोटिवेशन सुनने के बाद मेरे अंदर की वो 2% इच्छा भी ठीक वैसे ही खुद की खुशी कर लेगी, जैसे कोटा में। मेरे बारे में कौन क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में कौन क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, बस यही मेरे लिए काफी है। नहीं देखो, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि आंटी के सामने किसी का मुंह खुल ही नहीं सकता, मगर क्योंकि सामने वाले का मुंह तो तब खुलेगा ना जब आंटी का मुंह बंद रहेगा। सचिन क्या है सचिन में? और आंटी किसी के कुछ बोलने या न बोलने पर किसी को फर्क पड़े या न पड़े, लेकिन आपके बोलने पर किसी को फर्क जरूर पड़ता है, मेरे कानों को। मैं वो गुलाब हूँ जिसे तोड़ी नहीं जाती, और मुझे देने से ही कोई तुमसे मोहब्बत करे तो आपसे नहीं हमसे मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत मुझे देने से नहीं तन मन और रूह से की जाती है। भाई साहब, शायद ये कि आज से पहले गुलाब का फूल कभी मेरी आंखों में इतना छुआ हो। और आंटी एक बात बताओ कि मधुमक्खी का पाद सो के नशे करती हो क्या? कोई शुद्ध आदमी ऐसी फालतू की बकचोदी कर ही नहीं सकता, नहीं तो बोल क्या रही तुम्हें खुद भी पता है। मैं वो गुलाब हूँ जिसे तोड़ी नहीं जाती। गुलाब का फूल कोई तोड़े या ना तोड़े, लेकिन अगर मेरे फोन की ईमाई बाकी ना होती ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आज वो जरूर टूट जाता। कहते हैं प्यार के
आंखों से होती है। यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। सबसे पहले ये बताओ कि ये साला फालतू का ज्ञान दे कौन रहा है? नहीं क्योंकि अगर प्यार की शुरुआत आंखों से होती तो इस हिसाब से तो जो लोग अंधे हैं वो तो किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और प्यार की शुरुआत चाहे कहीं से भी होती हो लेकिन आज के टाइम पे उसकी कीमत एक ही जगह चुकानी पड़ती है। अबे साले, काश तू सितारा होता और मैं चांद होती, काश तू सितारा होता और मैं चांद होती। और काश कि मेरे पास इंस्टाग्राम का कंट्रोल होता तो सबसे पहले मैं आपका अकाउंट उड़ाता। और मैं चांद होती, लोग तुझे दूर से देखते, पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। अगर आप चांद होती ना तो हर रात अमावस की रात होती, अमावस की, और जो लोग छत पर चांदने पर सोते ना उनकी रातों की नींदें उड़ जाती, नींदें। अच्छा, और जिन बच्चों को चुड़ैल देख के डर लगता था ना फिर वो चुड़ैल देख के नहीं चांद देख के डरते। और जिन निम्बानियों के बाबू चांद जैसा है उनका अपने बाबू को देख के नूत निकल जाता। तो चलो सर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब कर दो, वो नीचे लाल वाला बटन है दबा दो उसे। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, बाय बाय।